रिसेंटली पाकिस्तान के एक ज्यूइश बिजनेसमैन ने यह ट्वीट किया कि उन्होंने सक्सेसफुली पाकिस्तान से इजराइल फूड आइटम्स भेज दिए हैं। ये इशू इतना हाईलाइट हुआ कि पाकिस्तान को एक क्लैरिफिकेशन इशू करना पड़ा कि उनके इजराइल के साथ कोई ट्रेड रिलेशंस नहीं है। इनफैक्ट पाकिस्तान के पासपोर्ट पे भी लिखा है कि दिस पासपोर्ट इज वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट इजराइल। बट व्हाई? इसकी कहानी वर्ल्ड वॉर से शुरू होती है। वर्ल्ड वॉर टू में ज्यूज के अगेंस्ट काफी खराब एटमॉस्फेयर बन गया था यूरोप में, और वर्ल्ड वॉर टू में ही हिटलर ने लगभग 60 लाख ज्यूज का जेनोसाइड करवा दिया था। इस कारण ज्यूज यूरोप से भागने लगे और माइग्रेट होने लगे पैलेस्टीन की तरफ, जहां पहले से ज्यूज, क्रिश्चियंस और बहुत सारे अरब मुस्लिम्स रहा करते थे। ये एरिया पहले ब्रिटिश रूल्ड हुआ करता था, मगर ज्यूज ने यहां आकर 1948 में इसे एक इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया और नाम दे दिया इजराइल। जो बात अरब मुस्लिम नेशंस को पसंद नहीं आई और इन नेशंस ने इजराइल पर अटैक करने शुरू कर दिया, और इसी कारण लगभग सभी मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज ने कभी इजराइल को एज अ कंट्री एक्सेप्ट नहीं किया, इंक्लूडिंग पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। बट अब वक्त बदल रहा है। यूएई, बहरीन जैसे अरब वर्ल्ड के नेशंस ने इजराइल को कंट्री एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। इवन सऊदी अरब ने इजराइल के साथ रिलेशन बनाना शुरू कर दिया। ऐसे में इंटरनेशनल प्रेशर है पाकिस्तान पर। देखते हैं वो क्या करता है। आप एक काम कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए।